नमस्कार बच्चों, आज का पाठ सांवले सपनों की याद। यह पाठ जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और जाबिर हुसैन ने यह पाठ कब लिखा था? उन्हें पक्षियों के विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से बहुत दुख हुआ था। जब उन्हें ये पता चला कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और उनकी याद में उनकी मृत्यु के बाद यह पाठ लिखा गया और यह जून 1987 में लिखा गया था। डायरी शैली में लिखा गया इसलिए इसे संस्मरण कहा है। संस्मरण क्यों कहा है? क्योंकि यह सालिम अली की याद में लिखा गया था और उनकी जो दुख की स्थिति थी, मृत्यु से जो उन्हें दुख हुआ था, उसके बारे में इस पाठ में उन्होंने बताया है। और सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व की क्या खासियत थी, पक्षियों से वह किस प्रकार से प्रेम करते थे और एक महान पक्षी विज्ञानी कैसे थे। यहाँ पर लेखक कहता है कि मौत निश्चित है, यह सभी जानते हैं और यह बहुत ही कड़वा सत्य भी है। और यह सुंदर दिखाई देने वाले संसार, यानी हमें संसार बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसमें हमें एक सपने की तरह हम जीते रहते हैं और अंत में हमारी मृत्यु जो है वो निश्चित है, यह यहाँ पर लेखक बताना चाहता है। मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकता है। संसार में जो व्यक्ति हैं सभी की मृत्यु एक दिन होगी और वो कहते हैं कि यह एक कड़वा सत्य है। अगर बात करें यहाँ पर अंतिम यात्रा की, तो पक्षी विज्ञानी की अंतिम यात्रा जो थी ऐसी यात्रा थी जिससे वो कभी भी वापस नहीं लौटे, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें ले जाया जा रहा था तो अंतिम संस्कार के लिए जब लेकर के जाया जा रहा था तो इस यात्रा को उनकी अंतिम यात्रा बताया है। और लेखक कहता है कि कोई भी मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। स्वयं सालिम अली ने उन्हें काफ़ी वर्ष पहले बताया था कि लोग पक्षियों को व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं, आदमी की दृष्टि से देखते हैं, जबकि हमें पक्षियों को उन्हीं की दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्हें पक्षियों का संगीत सुनकर के बहुत अच्छा लगता था सालिम अली को। और लेखक कहता है कि श्री कृष्ण के जीवन में जो लीलाएं थी उन्हें भी वह याद करता है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण माखन चुरा करके बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन को बांध लिया करते थे और जब वह बांसुरी बजाते थे तो वहाँ का वातावरण संगीत से भर जाता था। आज भी वृंदावन में यमुना का जो पानी है वह काला है और उस समय की घटनाओं को हमें याद दिलाता है। लेखक बताता है कि सालिम अली एक दुबले पतले से व्यक्ति थे और वह 100 वर्ष के होने ही वाले थे। उन्होंने सारे स्थानों पर यात्राएं की थी और यही कारण था कि वह थोड़े दुबले हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उन्हें थी। उनकी आंखों की रोशनी अंतिम समय तक बहुत अच्छी थी और उन्होंने पक्षियों की सेवा में अपना पूरा समय बिताया था। पक्षियों को पक्षियों की दृष्टि से देखना, यानी कि खुद वो पक्षी बन करके उन्हें देखते थे, दूरबीन से उन्हें निहारा करते थे। जब वो एकांत में होते थे या अकेले होते थे तो हमेशा दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। और उन्होंने अपने बड़े प्रयास से पक्षियों की एक दुनिया बनाई थी और इस काम में उनकी पत्नी ने उनका बहुत सहयोग किया था। उनकी पत्नी का नाम तहमीना था। सालिम अली के जो अनुभव थे उन्होंने अपने अनुभव उस समय के प्रधानमंत्री जी जो थे चौधरी चरण सिंह जी उनके सामने रखे और उन्होंने बताया कि केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाए कैसे।
और यह सुन करके प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए थे। सालिम अली की जब मृत्यु हुई तो कोई भी ऐसा नहीं बचा जो फसलों की रक्षा कर सके, पक्षियों की रक्षा कर सके। सालिम अली की जो आत्मकथा है उसका नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा गया है। उन्होंने डीएच लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि पशु पक्षी जो हैं मनुष्य को जल्दी से पहचान लेते हैं। लॉरेंस की जो पत्नी थी उन्होंने बताया था कि उनकी छत पर जो गोरैया बैठती है वह उनके पति को जानती है, यानी कि पक्षियों में पहचानने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सालिम अली ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक वो क्यों बने थे इसके पीछे उन्होंने एक कहानी बताई कि किस प्रकार से एक बार उनकी एयरगन से नीलकंठ की गोरैया की मृत्यु हो गई थी और वह चिड़िया ही उसे नए नए रास्तों की ओर लेकर के जाती थी और वो हमेशा जीवन की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते रहते थे। सालिम अली की दुनिया में सागर के समान विशाल और बृहत जो है उनका व्यक्तित्व था। जो उन्हें अच्छे से जानता और समझता है वह उनकी मौत के बाद भी उसे क्या लगेगा कि आज भी वो दूरबीन लटकाकर आ रहे हैं और उस दूरबीन से नए नए पक्षियों की खोज कर रहे हैं। यह लेखक को लगता है, लेखक उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें वह ये सोच रहे हैं कि दूरबीन लटका करके उन्हें दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर यह जानते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति कभी भी लौटता नहीं है। इस पाठ के मैं आपको कुछ कठिन मीनिंग बता देती हूँ जिसमें आपको पाठ पढ़ने में आसानी रहेगी। परिंदों का यहाँ तात्पर्य है पक्षियों से, हुजूम यानी जनसमूह या भीड़, मिथक जो होता है पुरानी कथाओं का तत्व, भांडे यानी बर्तन, शौक यानी चंचल, क्षितिज क्या होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है, एकांत घाटी को साइलेंट वैली कहा जाता है जहाँ पर आप आवाज़ करेंगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी। सौंधी यानी सुगंधित मिट्टी। यायावरी किसे कहते हैं, घूमने वाले लोगों को यायावर कहते हैं और जिनकी प्रवृत्ति घूमने की होती है उन्हें यायावरी कहते हैं। नतीजा का मतलब होता है परिणाम और नैसर्गिक साधारण। इस प्रकार से मैंने आपको यह मीनिंग बताए हैं। अगर इस पाठ से संबंधित आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।